ये बात तब की है जब मैं शाम के समय में थका हारा ऑफिस से घर आ रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो काफी थक चुका था। उस वक्त मुझे आराम करने के लिए बेड पर लेटा नहीं जा रहा था। मैं यूं ही सोफे पर बैठा हुआ था कि तभी अचानक मेरे पास एक कॉल आया। मैंने जब फोन उठाया तो मुझे पता चला कि मेरे चाचा जी का कॉल था। चाचा जी ने मुझसे कहा कि तुझे जल्द ही गांव आना पड़ेगा। मैंने चाचा जी से पूछा कि ऐसा क्या काम है जिसके लिए मुझे आप यहां से वहां बुला रहे हो। उन्होंने कहा कि है कुछ जरूरी काम, जल्दी से यहां पर आ जा। मैंने इसके बाद कोई सवाल नहीं किया और हां बोलकर फोन काट दिया। वैसे आपको बता दूं कि उस वक्त मुझे जॉब पकड़े हुए कुछ ही महीने हुए थे। मैं ऑफिस में काम भी बहुत करता था, इसलिए मेरा मन गांव जाने का तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन मजबूरी के कारण मुझे वहां जाना पड़ा। बस यही सोचकर एक दिन मैं अपने दोस्त के घर पर गया जो कि मेरी ही कंपनी में काम करता था। मैंने उसे जाकर कहा कि जब तक मैं गांव में रहूंगा और उस वक्त जितने भी काम आएंगे तू उसे रिकॉर्ड कर लेना, जब मैं गांव से लौटूंगा तब जाकर मैं उन काम को करूंगा। मैंने उससे बस इसी चीज की विनती की थी, उसने हाँ भी किया। इसके बाद मैं चैन से अपने गांव के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, 2 हफ्ते गांव में बिताने के बाद मैं गांव से लौट आया। रास्ते भर मुझे गांव की बहुत यादें आ रही थी। मैं अपने गांव की खुशियों की यादें लेकर लौट रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आने के बाद मुझे कैसा झटका लगने वाला था। मैं ठीक अगले दिन अपने दोस्त के घर पर गया। मैंने उससे कहा कि भाई तू मुझे काम के रिकॉर्ड बता दे ताकि मैं उन कामों को कर सकूं। उसने मुझे सीधे रिकॉर्ड थमा दिए और कुछ भी नहीं कहा। सच कहूं तो मुझे उसकी थोड़ी हरकतों पर शक हुआ, क्योंकि वो बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। मैंने उस समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया, बस सोचा कि इसको कुछ काम का प्रेशर होगा। मैंने चुपचाप अपना रिकॉर्ड लिया और अपने घर चला गया। इसके ठीक अगले दिन जब वो ऑफिस में आया तो मैंने उससे पूछा कि कल तू जल्दी में लग रहा था, तेरा बर्ताव भी कुछ अजीब था। तो उसने कहा कि मुझे घर पर कुछ काम रहता है इसीलिए मैं काफ़ी जल्दी में था। दोस्तों, मुझे मेरे दोस्त की बातें सुनकर मुझे उस पर शक हो रहा था, इसीलिए ऑफिस से छूटने के बाद मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार मैं कितने दिन हो गए तेरे घर नहीं गया, इसलिए आज तेरे घर चलते हैं। उसने मुझसे कहा कि उसके घर पर कुछ काम चल रहा है इसलिए वो मुझे लेकर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसको कहा कि नहीं चलते हैं, कुछ पार्टी वगैरह करेंगे, साथ ही कुछ काम की बातें भी कर लेंगे। मैं लगातार उसके घर जाने पर दबाव डाल रहा था। उसके चेहरे का हाव भाव धीरे धीरे बदल सा रहा था, बेचैनी साफ दिख रही थी, पर कब तक। थोड़ी देर के बाद वो मान गया। साथ ही जब मैं उसके साथ घर जा रहा था तो घर जाते समय मैं उससे काफ़ी बातें कर रहा था, पर उस वक्त वो कुछ साफ साफ नहीं बोलना चाह रहा था। उसकी आवाज़ में हिचकिचाहट दिख रही थी। उसका यह बर्ताव बहुत अजीब था। मैं बस एक ऐसा दबाव बना रहा था कि ताकि उसके घर जा सकूं। मुझे लगा कि शायद घर में कुछ तो है जो कि उसे देखकर ही लग रहा था। वो नहीं चाहता था कि मैं उसके साथ उसके घर चलूं। लेकिन पहुंचने के बाद मैं उसके घर के अंदर चला गया। घर जाकर मैंने देखा कि पूरा घर खाली था। मैं हैरानी में पड़ गया, पूरे घर में एक भी सामान नहीं था। मैंने तुरंत अपने दोस्त से इसका कारण पूछा। उसने बताया कि मैंने घर दूसरी जगह ले लिया है, अब मैं वहीं रहूंगा। बस मैं इसी चीज़ की चिंता में पड़ा हुआ था इसलिए तुझे कुछ नहीं कह पाया। दोस्तों, एक बार को तो मेरा पूरा शक मानो जीरो हो गया, लेकिन मैंने उससे कहा कि अरे भाई तूने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, मैं भी तेरी मदद कर देता। दोस्त ने तुरंत कहा अरे कोई बात नहीं, सब काम ठीक से हो गया है, बस कुछ प्रॉब्लम है वो मैं संभाल लूँगा। मैंने उससे बहुत जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बाकी मुझे उससे बात करते करते उसके घर में लगभग रात हो गई थी। मैं बस उसके घर से निकलने ही वाला था कि मुझे ख्याल आया। मैंने उससे पूछा कि भाई तू खाएगा क्या, घर में तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं, और तो और इसके बाद तू सोएगा कहाँ। इस बात पर उसने कहा कि अरे कोई बात नहीं, अंदर कुछ रजाइयाँ पड़ी हैं और खाना मैं बाहर से मंगवा लूँगा, तू चिंता मत कर। दोस्तों, उसी बीच मेरे मन में एक सवाल उठा, शायद आपके मन में भी यही सवाल उठा होगा कि तेरा सारा सामान कहाँ है, और जब तूने नया घर ले ही लिया है तो यहाँ पर क्यों रुका है। मेरी इस बात पर उसने कहा कुछ ऑफिस का काम बाकी था और मेरी ट्रेन भी परसों की है, वहाँ माहौल थोड़ा ठीक नहीं था, हल्ला ज़्यादा था, इसीलिए एक दो दिन मैं यहीं रुक गया।
अभी मकान के कुछ दिन बाकी हैं। मैंने उससे कहा कि अरे तू बाहर से खाना मंगाएगा, चल मेरे साथ चल, मेरे इधर ही रह लेना। मेरी बात उसने बिल्कुल भी नहीं मानी, उसने मेरी एक ना सुनी। इसके बाद मुझे थक हार कर अकेले ही घर जाना पड़ा। सच कहूँ तो मैं पूरी रात उसी के बारे में सोचता रहा। अगले दिन जब मैं ऑफिस से लौट कर आया तो मन में ख्याल आया कि एक बार अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। मैं सीधा उसके घर की तरफ गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था, बाकी खिड़कियाँ भी एकदम कसके बंद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंदर खुद को बंद करके बैठा हुआ है। पर खैर, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, ऐसा लगा मानो कि घर की सारी उमस बाहर आ गई हो। देखकर लग रहा था जैसे घर में पूरे दिन से हवा तो गुजरी ही नहीं। दरवाज़ा खुल चुका था, मैं इधर उधर देख रहा था। इसके बाद मैंने देखा कि वो अकेले एक जगह पर बैठकर खिड़की की तरफ देख रहा था, जबकि खिड़की बंद थी। मैंने तुरंत खिड़की खोल दी और उससे पूछने लगा कि तूने पूरा घर पैक क्यों रखा हुआ है। उसने कहा, ऐसे ही, आ बैठ जा, कुछ बातें करते हैं। हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जो कि शायद उसके किचन से आ रही थी। सुनकर ऐसा लगा कि जैसे वहाँ कोई काम कर रहा था। धीरे धीरे आवाज़ बढ़ती जा रही थी। एक समय तो ऐसा आया कि जब मुझे लगने लगा कि किचन के अंदर बैठकर कोई काम कर रहा है, लेकिन जब मैंने अपने दोस्त के चेहरे की तरफ देखा तो कोई भी हाव भाव प्रकट नहीं हो रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी, उसे सच में आवाज़ नहीं आ रही हो, वो ऐसा बर्ताव कर रहा था। मैंने उससे कहा कि क्या तुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही। उसने मुझसे कहा कि नहीं, तुझे कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही है। मैंने उससे कहा कि अबे तेरे किचन से इतनी आवाज़ आ रही है जैसे कोई काम कर रहा हो और तुझे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। उसने कहा कि अरे भाई कहाँ आवाज़ आ रही है, रुक मैं देख कर आता हूँ। वो तुरंत उठा और किचन की तरफ गया। मैं भी एकदम से उसके पीछे पीछे गया। मैंने देखा कि सच में किचन में कोई नहीं था। सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि जिन बर्तनों की आवाज़ आ रही थी वहाँ एक भी बर्तन नहीं था। सच कहूँ तो ये सब देखकर मैं हल्का सा डर गया था। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसा कुछ अजीब सा मेरे साथ हुआ हो। लेकिन दोस्तों, दिमाग कई सवाल बुनता है। मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम हो सकता है या फिर कहीं अगल बगल से आवाज़ आ रही होगी। मैंने इस बात पर इतना गौर नहीं किया। नहीं मालूम था कि शायद यही आगे चलकर मेरी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। उसने मुझसे बहुत कन्वेंस किया कि आज रात मैं उसके घर पर ही रुक जाऊं। आखिरकार मुझे रुकना भी पड़ा। वैसे मेरा वहां कोई रुकने का प्लान नहीं था, पर ना जाने कैसे मैंने हाँ कर दी। मेरा मन बिल्कुल नहीं था, मैं इसी संकोच में भी था कि आखिरकार मैंने अपने दोस्त को हाँ कैसे कह दिया। ऐसा लगा कि जैसे उस समय मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं था। खैर, रात को वो बाहर से खाना लाया। हम दोनों ने खाना खाने के बाद कुछ समय और बातें की और सोने चले गए। ज़मीन पर लेटते ही मेरी तो आंखें लग गई, मैं गहरी नींद में सो गया। दोस्तों, मुझे आज भी याद है कि लगभग रात के 2:30 बजे के करीब मेरी अचानक से नींद खुल गई। मुझे लगा कि जैसे कोई घर में तेज़ी से चल रहा हो। मैंने तुरंत अपनी आँखें खोली और देखा कि मेरा दोस्त वहाँ पर नहीं सोया था। ये सब देखकर मैं एकदम से उठ गया। एक तो दिन वाला किस्सा अभी भी मेरे मन में था, लेकिन किसी तरह थक हार कर मैं उसे भुला चुका था। पर अब जो मैं देख पा रहा था वो तो और भी भयानक था। मैंने देखा कि मेरा दोस्त घर के बाहर जा रहा था। मैंने सोचा कि इतनी रात को कोई बाहर क्या करेगा। उस वक्त लगभग 3 बजने वाले थे। मैं भी चुपचाप अपने दोस्त के पीछे घर से बाहर निकला। उसने जैसे ही घर के दरवाजे को पार किया और कुछ दूरी पर गया, मैं ठीक उसके पीछे पीछे जाने लगा। पीछे जाते समय मैं उसको आवाज़ भी दे रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। पर ये क्या, तभी मेरे पीछे से मुझे मेरे दोस्त की आवाज़ आई। उसने कहा कि अरे कहाँ जा रहा है। ये सुनते ही मानो मेरा खून ठंडा पड़ गया, क्योंकि अभी मैंने सामने ही मेरे दोस्त को देखा था और कुछ ही समय बाद वही मेरे पीछे से मुझे आवाज़ लगा रहा था। मेरे दिमाग में उसी पल सवालों का ढेर लग गया। मैंने अपने दोस्त से कहा कि तू तो अभी घर के बाहर निकला था, यहाँ कैसे आया। उसने कहा कि अरे कैसा मजाक कर रहा है, मैं तो तब से घर में ही था। दोस्तों, मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले मैंने उसे बाहर जाते देखा था। दोस्त ने कहा कि अरे सुन, तू घर चल, तू अंदर चल, इतनी रात में बाहर क्या करेगा। मैं चुपचाप जाकर लेट गया।
पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफी समय तो मैं इसी चीज पर सोचता रहा कि क्या ये मेरा भ्रम था, क्या सच में कोई घर से बाहर गया था। मेरे ऐसे हालात देख मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि अरे क्या सोच रहा है, शायद कोई बुरा सपना होगा, और वैसे भी तू आधी नींद में था, कभी कभी ऐसा लगता है, अब चिंता मत कर, चुपचाप सो जा। दोस्तों, ये सब कुछ मेरे साथ पहली बार हुआ था। मुझे कोई नींद में चलने की बीमारी नहीं थी, लेकिन उसके कहने के बाद मैंने ये मान लिया कि शायद हो सकता है मेरा भ्रम हो। थोड़ी ही देर में मुझे दोबारा नींद लग गई। जब उठा तो सुबह के 6:30 बज रहे थे। मैं जल्दी से उठा और तैयार हुआ, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए भी जाना था। उस वक्त मेरा दोस्त ना जाने कहाँ था। मैं इतनी जल्दी में था कि तुरंत उसके घर से बाहर निकल गया। मैं बस 10-15 कदम ही चला होऊंगा कि अचानक मेरे दोस्त को कॉल आया। मैंने उसका कॉल उठाते ही कहा कि अब क्या जान लेकर मानेगा, अभी तो तेरे घर से बाहर निकला हूँ, अभी भी कुछ काम बचा है क्या। इस पर उसने हैरानी में चौंकते हुए कहा, कौन सा घर, तुझे मेरे नए घर के बारे में मालूम कैसे पड़ा। मैं थोड़ा असमंजस में पड़ा और मैंने उत्तर दिया, कौन सा नया घर, तू तो अभी पुराने घर में ही है ना, और आज ही तो तू अपने नए घर में शिफ्ट होगा। सामने से जवाब आया कि मैं अपने नए घर में 2 हफ्ते पहले ही शिफ्ट हो चुका हूँ, मैं बस इसके बारे में बताने वाला था। मैंने तुरंत कहा, तू मुझसे मजाक मत कर, पूरी रात मैं तेरे साथ तेरे पुराने घर में था। उसने कहा कि नहीं भाई, मैं मजाक क्यों करूँगा, वो घर तो बंद पड़ा है। मैंने तुरंत फ़ोन काटा और भागते हुए उसके घर के पास गया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जैसे ही घर के पास पहुंचा तो हैरानी से मानो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने उस घर पर ताला लगा हुआ देखा, उस वक्त कोई भी घर पर नहीं था। मैंने खिड़की खोलकर घर को एक बार देखना चाहा, मैंने पाया कि घर के अंदर एक भी सामान नहीं था। देखकर साफ पता चल रहा था कि घर काफी समय से बंद है। मैं एकदम हताश खड़ा था। अब मुझे अपनी दोस्त की बातों पर विश्वास हो चुका था। मैं सोच में था कि 2 दिन से मैं जिस आदमी से मिल रहा था, क्या वो मेरा दोस्त नहीं था। साथ ही कैसे मैंने उस बंद घर को खोल दिया, और अभी 2 दिन तक वो मेरे साथ ही तो था, उसी ने ही दरवाजा भी तो खोला था। ऐसे कई अनगिनत सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे। मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा था, क्योंकि अजीब अजीब सी घटनाएं मैंने उस घर में देखी थी। लगभग संभव हो चुका था कि यह किसी प्रेत की घटना थी। रास्ते में चलते वक्त मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, ये शायद वो मेरा आखिरी पल था। मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो आदमी जिसे मैं अभी तक अपना दोस्त समझ रहा था, वो उस घर के अंदर से खिड़की के जरिए मेरी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी, और अचानक वो एक झटके में ही वहां से गायब हो गया। वो पल ऐसा था मानो कि जैसे कोई मरे हुए आदमी की आंखें बंद कर देता हो। सब कुछ एकदम शांत था। नहीं मालूम कि मेरे दोस्त के जरिए वो प्रेत मुझ पर लगा। हर चीज अपने आप में एक अजीब सा सवाल पैदा कर रही है। अगर आप इस कहानी को समझ पाए तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।